तारे मुझे आपकी बातें सुनाते रहे, तारे मुझे आपकी बातें सुनाते रहे। क्या बात थी बोलिए, क्या बात थी बोलिए, क्यों याद आते रहे। तारे क्या बात है, क्या मुझे आपकी बातें सुनाते रहे। नमस्कार, मैं हूं बात पंकज शर्मा और आज आपका स्वागत करता हूं साहित्य तक के हमारे साहित्य अड्डा कार्यक्रम में, जिसका इंतजार, जिसकी प्रतीक्षा मैं उतनी ही बेसब्री से किया करता हूं जितनी बेसब्री से आप सब किया करते हैं। और मेरे और आपके दोनों की प्रतीक्षा का कारण भी एक ही रहता है कि हमारे जो उस दिन के मेहमान हुआ करते हैं, वो मेहमान कम, वो हमारे मैं कहूंगा कि इस पूरे साहित्य समाज के, हम आप सब जानते हैं कि हम लोग उन्हीं को यहाँ पर आमंत्रित अब तक कर पाए हैं। हमारा सौभाग्य रहा कि जो कि एक मशाल रहे हैं इस क्षेत्र में, जिन्होंने जिन्होंने पूरे, अगर मैं कहूँ पूरे विश्व की, मैं कहूंगा कि, या फिर मैं कहूँ कि जिन्होंने पूरे एक कालखंड का नेतृत्व किया है, हम उन विभूतियों को और यहाँ पर आमंत्रित किया करते हैं। और आज मेरा एक परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य यह है कि हम सबके, मतलब मेरी जैसे कम से कम होंगे लाखों लोग होंगे ऐसे जिनके पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, गाइड, जिनको जिनकी फिलॉसफी को हम अंदाज की तरह अपनाते हैं, जिनके अंदाज को हम फिलॉसफी की तरह अपनाते हैं, हमारे श्रद्धेय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, जिनको मैं 2 वर्ष से लगभग लगभग आमंत्रित करना चाहता था। आज मुझे वो सुयोग मिला, मुझे वो सुअवसर मिला कि मैं आप सबके लिए आज उनको आमंत्रित कर सका। मैं उनका परिचय दूंगा तो ये धृष्टता होगी, सिर्फ उनका परिचय देना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, क्योंकि कभी भी विद्यार्थी अपने कुलपतियों का परिचय नहीं दिया करते आमतौर पर। लेकिन मैं बस एक जो औपचारिकता है, आप जानते हैं इस कार्यक्रम में कोई औपचारिकता वैसे तो नहीं हुआ करती, लेकिन एक औपचारिकता के तौर पर मैं बस एक या दो कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जिसके लिए मैं उनसे ही अनुमति मांगता हूं, क्योंकि उनका परिचय देने का अर्थ होगा मुझे सूरज से कहना होगा कि आप जरा दिए की ओर झांकें। मैं आपको बताता हूं कि हमारे श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी कानपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं आमतौर पर, लेकिन वो जहां खड़े होते हैं वहां से पूरे विश्व तक रोशनी जाती है उनके, न सिर्फ उनके साहित्य की, वरन उनका जो आभा मंडल है, जो उनका व्यक्तित्व है, मैं खुद बता सकता हूं कि कई बार मैंने उनको लाइव कार्यक्रमों में देखा या मैंने उनको सुना कहीं बैठ के कार्यक्रम में, और मैंने उनके अंदाज को भी अपनाया। आप मुझे देख करिए बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कई बार मैंने उनको उनके कपड़ों से लेकर के उनके स्माइल तक को अपनाया, और मैं उनको आमंत्रित करना चाहता था। आज वो यहाँ पर आए। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने भौतिक विज्ञान से मास्टर्स तो किया, लेकिन इस भौतिक संसार को बड़ा अच्छी तरह से समझा, और उसके जितने रंग हो सकते हैं, उन उन रंगों के जितने भाव हो सकते हैं, उन सब भावों को पिरोकर कविता की 30 विधाओं में कम से कम काम किया। उन्होंने 20 से ज्यादा देशों में भारत, भारती और भारतित्व का नेतृत्व किया। उन्होंने कम से कम, मैं कह सकता हूं कि 20 देशों में ये सुनिश्चित किया कि भारत का साहित्य कितना समृद्ध है। उन्होंने कम से कम 20 या 25 देशों में, अब तो मैं जो गिनती गिन रहा हूं वो कम है, लेकिन कम से कम 25 से ज्यादा देशों में उन्होंने ये बताया कि भारत और भारत का जो साहित्य है वो कितना समृद्ध है, कितना संस्कारित है, कितना विशाल है उसका आभा मंडल। और उनकी उपस्थिति तो खैर रहती ही है। इसके अलावा उन्होंने कम से कम 30 बरस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें 30 बरस की अपनी सेवाओं में 27 बरस आकाशवाणी के लिए दिए। 27 वर्ष की आकाशवाणी में मैं आज इस चीज को महसूस कर पा रहा हूं कि वो क्या है मेरे सामने, क्योंकि मैं मेरे कई जानने वाले, कई मेरे अभिन्न मित्र, कई मेरे परिवार के सदस्य जब आकाशवाणी का जिक्र किया करते थे और मैं सोचा करता था कि अच्छा वहां के लोग कैसे होते होंगे, कैसे होते होंगे, अब मैं समझ पाता हूं कि जिन्होंने लंबे समय तक
भारतीय प्रसारण सेवा को दिया, जिन्होंने उप महानिदेशक आकाशवाणी के लिए दिया, पूर्व निदेशक आकाशवाणी दिल्ली के लिए जो रहे, पूर्व निदेशक राष्ट्रीय प्रसारण सेवा में रहे। इसके अलावा उन्होंने कई सारे जो जो कार्यक्रम हम सब सुनते सुनते रहे, सुनते आए हैं, हमने जिनको जिनसे आनंद लिया, उन सबके सूत्रधार रहे श्री लक्ष्मी शंकर जी। हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि जो लोग मुझसे आकाशवाणी की बात किया करते थे, मैं आज उन सबसे अगर वो यहाँ आएंगे और मुझे सुन रहे होंगे तो मैं कहूंगा कि वो भीष्म पितामह तो हमारे सामने हैं आज। और मीडिया कर्मी होने के नाते, मैं चूंकि एक मीडिया कर्मी भी हूं, उस मीडिया कर्मी होने के नाते मैं इसलिए उनको पुनः अभिनंदन करता हूं, मैं पुनः उनको यहां से वंदन करता हूं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ अभिवादन उन तक पहुंचाता हूं, क्योंकि उन्होंने मीडिया कर्मियों के लिए एक लकीर खींची है अपने व्याख्यानों से। उन्होंने हम सबके लिए एक ऐसा रास्ता बनाया है जिस रास्ते पर चलकर हम भाव और अभाव के बीच से सीधे निकल के अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे लिए कई मायनों में उनकी उपस्थिति बहुत 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 पुण्य है, तीर्थ समान है। किताबों में, टीवी में, वो किताबों की दुनिया से लेकर और सोशल मीडिया की दुनिया तक ऐसे ही प्यार किए जाते हैं जैसे लोग अपने सुपरस्टार को किया करते हैं, दीवाने अपने माशूक को किया करते हैं। मैं कोई भी मंच ले लूं, मैं कहूंगा कि विश्व अगर दुनिया का सबसे बढ़िया भारत में मंच माना जाता है लाल किला, तो उसको उन्होंने अपनी पावन उपस्थिति से पुण्य किया है। मैं अगर कहूंगा कि टीवी चैनल्स या अखबार या मैं कहूं कि किताबों में, तो मैं हर जगह कोई भी पन्ना खोलता हूं वहां पर उनके नाम से अध्याय मिला करते हैं। मेरा सौभाग्य है उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। मैं उनसे यहां से प्रार्थना करता हूं और पुनः अनुग्रहित होता हूं कि आप आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत आभार पंकज जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, वो 35 साल में रहा आकाशवाणी में और 27 साल में राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़ा रहा, वही इतनी सी बात है। जी। 8 साल में इधर उधर, ग्वालियर, बीकानेर, अल्मोड़ा, बाड़मेर वगैरह वगैरह, जम्मू कश्मीर, वो सब हुआ। जी। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि मैंने वैसे ये निवेदन कभी नहीं किया, लेकिन आज आपसे निवेदन रहेगा, आप पूरे कार्यक्रम के दौरान कभी भी जी मत लगाइएगा, क्योंकि आप मेरे कुलपति हैं, आप मेरे मार्गदर्शक हैं और आप पंकज बोलिएगा सीधे। हमारे दूसरी मेहमान है इंदु जी। इंदु जी का आप देख रहे हैं कितनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही हैं। दरअसल इतनी ही प्रतीक्षा मैंने कल से अब तक इस समय की कि मैं उनसे बात कर सकूं, उनसे एक संवाद स्थापित कर सकूं। इंदु जी, मध्य प्रदेश जिसको कहा जाता है कि सांस्कृतिक राजधानी है भारत की, जिसको कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जहां से मैं कहूंगा कि साहित्य और कल्चर दोनों का एक मिक्स, एक रूप निकला करता है, एक एक लोग वहां से, वहां की मिट्टी में ही कोई बात होती है, ऐसा कई बार मैंने पढ़ा और सुना। वहां के जबलपुर से इंदु जी आती हैं। इंदु जी मूलतः गजल पे काम करती हैं, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र गीत भी है, कविताएं भी है, सब कुछ है। 25 वर्षों से लगभग मैं कहूंगा कि 25 और या 26 साल वो समकालीन गजल पे काम कर रही है। आज मैं कम बोलूंगा क्योंकि दोनों के दोनों इंस्टीट्यूशन, मैं लक्ष्मी शंकर जी, श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर जी, वो तो खैर संस्थान है, वो तो इंस्टीट्यूशन है। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज वो मेहमान है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जो मुझसे बड़े हैं उन सब ने मुझे ये बताया है और सिखाया है, और मैंने हमेशा ये सीखा है कि मैं जब भी उनके सामने जाऊंगा तो सर झुका के बात करूंगा, क्योंकि वो सच में इस समय पूरे भारत में लोग उनसे गजल भी सीखते हैं। इंदु जी उसी उसी कड़ी में आगे चलकर काम कर रही हैं। इंदु जी ने बहुत सारा काम किया है गजलों पर, बहुत सारे उनके 3 गजल संग्रह भी आ चुके हैं, आशियाने की बात, उड़ना बे आवाज परिंदा, बारिश से जल रहे हैं खेत। आप इन तीनों नामों पर अगर जाएं तो आप उनको समझ सकते हैं, उनकी मनस्थिति को समझ सकते हैं कि उन्होंने किन विसंगतियों को लिखने की कोशिश की होगी या उन्होंने किन बातों को उठाने का प्रयास किया होगा। तमाम चैनल, पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने साहित्य का प्रतिनिधित्व किया है। मेरा सौभाग्य है इंदु जी कि आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। आपका स्वागत है साहित्य तक के साहित्य। और इस हमारे हमेशा की तरह हमारे साहित्य अड्डा कार्यक्रम के परिवार के सदस्य होते हैं, क्योंकि मैं इन सबको परिवार का सदस्य बोलता हूं, जितने भी लोग हम लोगों के साथ जुड़ते हैं उस सब के सब देखिए धीरे धीरे आना शुरू हो गए, और उसमें इस तरीके से उन लोगों का भी एक निर्देश मुझे मिला है कि क्यों ना अब समय को बगैर गंवाए हम शुरू करें और एक एक पल का रसास्वादन लें, एक एक पल का हम आनंद उठाएं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रद्धेय श्री लक्ष्मी शंकर जी को। सर, मैं एक बात से आज की बात शुरू करना चाहूंगा।
क्योंकि आप हैं तो मैं ये हिम्मत जुटा सकता हूँ ये पूछने की या ये जानने की, ताकि सब तक वो संदेश जाए। आज के समय में जब लिखना पूर्वाग्रहों से ग्रसित अधिक होता जा रहा है, या फिर आज के समय में जो सही साहित्य है जिसकी टीका या आलोचना पर लोग सकुचाने लगे हैं, ऐसे समय में आप जब सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े हुआ करते हैं, उस समय एक, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आपके पीछे एक लंबा समाज तैयार है भारत में जो अपनी तरह से साहित्य को समझने की कोशिश करता है, वो चाहता है इसी रूप में साहित्य और साहित्यकार को समझा जाए। लेकिन मैं हमेशा आपको हिमालय की तरह जब अडिग खड़ा देखता हूँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी उसमें से थोड़ी सी हिम्मत आज लूंगा, वो क्या बात होती है जो आपको कभी भी अडिग नहीं होने देती, कभी भी हिलने नहीं देती अपने रास्ते से? जी पंकज जी, जी तो लगेगा, माफ करिएगा उसके बिना मैं अब जी आदत है इंदु जी, पंकज जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था, देखिए एक किसी भी व्यक्ति का एक सरोकार होता है और उसी के आधार पे उसका जीवन चलता है। अब आप स्वयं देखिए पत्रकार भी हैं, कवि भी हैं, क्या वजह है कि दुनिया में हर वर्ष कितने पत्रकार जो है वो मारे जाते हैं, उनकी हत्या की जाती है, उनको तरह तरह से उन पर अत्याचार होते हैं, झूठे मुकदमे होते हैं, तो क्या होता है, वो क्या जिद है? तो और जैसे लंबी कहानी हो सकती है लेकिन वही है संक्षेप में कि भाई एक लेखक है, अब भारत में एक लेखिका है आप सब जानते हैं, वो बहुत सुखद जीवन व्यतीत कर सकती थी अपने देश में, निर्वासित हुई तो क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने सच्चाई सच्चाई को प्रदर्शित कर दिया अपने उपन्यास में। यही तो वो जो सरोकार वही होता है जो आदमी को एक आगे लेकर जाता है, फिर उसको किस तरह के मार्गदर्शक उसको मिले, जैसे मेरे मुझे जिन्होंने रास्ता दिखाया वो उनका भी उसमें योगदान है। और कुछ संयोग भी होते हैं, अब मेरे साथ जो सबसे बड़ा संयोग ये है कि मेरे जीवन का पहला कार्यक्रम जो मैंने कानपुर से बाहर जाके किया, जब मैं बिल्कुल कवि सम्मेलनों की गणित से परिचित नहीं था, उसके व्याकरण से बिल्कुल परिचित नहीं था, ये है कानपुर में जगह जगह पे गोष्ठियों वगैरह में जाता रहता था और कवि सम्मेलन भी छोटे मोटे हुए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जब पहली बार मैं गया तो आप समझिए वो कार्यक्रम क्या था, अब बेहतर समझ सकता हूं, तब तो जोश था। तो वो कार्यक्रम था घनघोर आपातकाल में भारत के गृह मंत्री का जन्मदिन था, और जिसमें ओहो पता नहीं कितने केंद्रीय मंत्री और कितने सांसद और कितने उत्तर प्रदेश का पूरा कैबिनेट, उत्तर प्रदेश कितने विधायक, यानी ऐसी जमात थी। और उस घनघोर आपातकाल में मैं एक युवा कवि, पहला कवि सम्मेलन कानपुर से बाहर राष्ट्रीय स्तर पे, और जी उसमें व्यवस्था विरोधी, घनघोर व्यवस्था विरोधी सीधे सीधे, और वो सुनाता हूं, और वो बहुत मुझे वहां सराहना मिलती, स्वाभाविक है, बड़ी तालियां मिलती। तो ठीक है बात हो गई। अब हुआ क्या, बड़ा रोचक लगेगा आपको, कि जी मुझे नहीं पता था कि कवि सम्मेलन में दो राउंड होते हैं, दो चक्र होते हैं, तो मुझे तो झपकी झपकी आ गई, मतलब कवि सम्मेलन चलता रहा। अब मेरे जो मुझे लेकर के गए थे सुमन दुबे, वीर रस के ओज के कवि थे, महेंद्र प्रताप दुबे उनका नाम था, सुमन दुबे जी बहुत ओज के कवि थे, तो उन्होंने मुझे जगाया, अरे तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है सेकंड राउंड में। तो मैं जब सेकंड राउंड में माइक के सामने जाके खड़ा हुआ तो कम से कम 2 ढाई मिनट तक तालियां 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 ही गूंजती रही। तो जो आपका सवाल है वो वही है कि वो ताली उन तालियों ने जीवन भर मुझे एक शक्ति दी है, प्रेरणा दी है, कुछ हो जाए। मैं तो सरकारी पहले दिन से गेस्ट ऑफिसर था, लेकिन जी मैंने वहां भी कविता के साथ कोई समझौता नहीं किया, और ये धारणा लेकर चला कि ये मुझे नौकरी जो मिली है ये कविता की वजह से मिली, उसमें शर्त थी साहित्य संगीत या थिएटर या साइंस राइटिंग, मैंने इनमें से आपको जो एसेंशियल तो हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन उसमें जो मांगते हैं वो था कि इन 4 क्षेत्रों में कोई राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां हो आपकी, तो उसी नाते चयन हुआ था। तो मैंने कहा कविता से नौकरी मिली है, कविता की वजह से कुछ भी खतरा हो तो मैं उसके लिए मैं मुझे मंजूर है। तो वो था आपका सवाल का जवाब।
और वही हो जाएगा एक बस एक। और मुझे कोई पार्टी हो कोई सरकार हो, ये भी मैं मानता हूं कि कवि की जो सत्ता है वो किसी भी सत्ता से ऊपर है, वो बिल्कुल जी, उसकी अपनी गरिमा है, उसकी अपनी मर्यादा है। अगर सच्चा कवि है तो वो बिल्कुल आदमी को सोच के चलना चाहिए कि कविता से उसको पैसे कमाने हैं या यश कमाना है, या कविता के लिए मतलब मेरी कोई दो पंक्तियां किसी की डायरी में चली जाए, इससे बड़ी मेरे लिए कोई उपलब्धि नहीं है। तो वही है कि आपको अपनी सोच खुद ही स्वयं निर्धारित करना कि आप चाहते क्या है। जी मैं यही ये बात चाह रहा था कि आज आपके मुंह से यहां से निकले और ये जाए सब तक, क्योंकि ये सवाल मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे मैनेज किया जाता है चीजों को। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज हमारे कुलपति जी श्रद्धेय श्री लक्ष्मी शंकर जी ने आपको मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को उस सवाल का जवाब दे दिया है कि अगर सच्चे मन से आप कवि हैं तो कभी ना घबराएं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने जिस दौर में शुरू किया, जिस दौर में उन्होंने अपनी अभी बात बताई, वो आपातकाल का दौर था, लेकिन अगर वो आवाज उस वक्त भी न दबी तो उसमें सच्चाई रही होगी, और सब सच्चाई होती है तो दुनिया सुनती है, दुनिया को सुनने का सलीका आता है। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि जब लिखें, जब जब भी मैं खुद भी इस चीज को अपने अंदर आत्मसात करता हूं, और जो नए लड़के या लड़कियां लिख रहे हैं, नए लोग जो लिख रहे हैं, वो इस चीज से आज आज श्रद्धेय श्री लक्ष्मी शंकर जी की मशाल से अपने ज्ञान का वो दिया जलाएं कि उसकी रोशनी में फिर वो कभी भी अपने अक्षरों को धुंधला ना देखें, अपने अक्षरों को उसी बेबाकी से लिखें, उसी तीव्रता और तीखेपन के साथ लिखें। सर, ये तो रहा परिचय, और आपसे वो चीज जो मैं कहलवाना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि आज बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं आपको, वो इस चीज को ले जाएं अपने साथ। आपसे कोई विधा अछूती नहीं रही जो साहित्य की है, और बहुत मुश्किल होता है गजल कार होना भी और गीतकार होना भी, और मैं इसलिए कह सकता हूं कि मुझे अब से कम 4 या 5 साल पहले एक बार आपसे तीसरी या चौथी कुर्सी के पास बैठने का एक अवसर मिला था, और आपने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया था उस दिन, और कहा भी था कि मेरे किसी एक गीत पर आपने कहा था कि मुझे लगता था कि नीरज जी के बाद की परंपरा कौन उठाएगा, तो फिर आपके ही शब्द थे कि मुझे पंकज को देख के लगा कि नहीं, लोग हैं जो इसको ले जा सकते हैं, मुझे आज भी याद है। और वो कार्यक्रम बिल्कुल आपको, मेरे लिए वो दरअसल शक्तिपुंज था, मैंने उस लाइन को अपना संविधान की तरह बनाया, और मैंने फिर कोशिश ये की कि मैं कुछ जब भी अब कहीं कहीं कुछ बोलूं तो मैं इस बात को ध्यान रखूं कि इन लफ्जों का मान श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर जी ने किया है, तो उनकी कीमत या उनका जो उनकी जो शेप है, उनका आकार है, वो कभी छोटा ना पड़े। सर, आपको लोग जी जितना प्यार गजल के लिए करते हैं उतना ही आपको गीतों के लिए करते हैं। मैं चाहता हूं कि जहां से आज हम इस कविता के माहौल को लेके चले हैं, आप क्या समझते हैं इस बात में, या क्या कहना चाहते हैं आज के इस दौर में, या आपके मन का जो सबसे प्यारा गीत या गजल, जहां से हम आज शुरू करें। अच्छा ठीक है। मैं चाहता था पंकज कि चूंकि अमृत महोत्सव चल रहा है जी, इसलिए सबसे पहले शहीदों को याद किया जाए, क्या बात है, तो सिर्फ उसके बाद फिर मैं आपके जैसे आपने कहा मैं गजल पे आता हूं तो वो स्वागत बहुत जरूरी है। जी, और सिर्फ दो, और वो भी एक मिशन का हिस्सा है, मेरा एक मिशन है, क्योंकि युवा पीढ़ी चाहे भी तो नहीं जान सकती कि आजादी की लड़ाई में किस तरह के जज्बात थे, किस तरह के बलिदान हुए। वो थोड़ा बहुत पढ़ लेगी कहीं उधर से। मेरा सौभाग्य है कि मैंने लाल किले से आंखों देखा हाल सुनाया, 26 जनवरी का बहुत बार सुनाया है, तो हमें पूरा पढ़ना पड़ता है, पूरा हमने स्वाधीनता संग्राम पढ़ा है। ऐसे ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि आपको रोमांच हो जाए, तो मैंने उनको छंद में ढाल दिया। सिर्फ दो छंद आपसे साझा करूंगा ताकि स्वागत वहां से है, शुरुआत हो, शहीदों के स्मरण स्वागत से। पहला 1857, एक छंद वहां से, और फिर मुख्य जो स्वाधीनता संग्राम उससे एक या दो छंद उससे। तो पहला छंद आप सुनिएगा, मैं गा के नहीं सुना रहा ताकि समय बचे कि, जी। तो फिर पहला छंद सुनिए। 1857, घटना ये है कि अंग्रेज अफसर आता है थाल में, कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह जफर के पास, जो 1857 के नायक थे, कि ये दो फूल भेजे हैं, एक आपके लिए एक आपकी बेगम के लिए। फूल क्या है? दो कटे हुए सर उनके बेटों के। तो वो घटना ये है, मैंने छंद में इसको ढाला कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है, कि उनका मनोबल गिर जाए।
कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। चौके तो जरूर किंतु शांत हो के बोले जफर, कि चौके तो जरूर किंतु शांत हो के बोले जफर, हरकत आपकी ये बेहद फिजूल है, और देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। कि देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है, और जंग ये रहेगी जारी, बोल दो ये लंदन को हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल है, हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल है। तो ये तो एक छंद मैंने 1857 से लिया। एक दो छंद जी जो हमारा मुख स्वाधीनता संग्राम वहां से उठाता हूं। देखिए एक ये अब इसलिए जरूरी है कि ये भारतीय नारी का चरित्र देखिए आप, तो वो छंद ऐसी भारतीय नारी जो पति के 24 घंटे छाया की तरह हर आंदोलन हर उसमें रहती थी साथ, उसकी एक सच्ची घटना है। 9 अगस्त 1942 मुंगेर बिहार की घटना है। गांधी जी का आह्वान करो या मरो। छंद ये है कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था, कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था, फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था, और पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था, कि पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। देशभक्त कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को संभाल। ये सच्ची घटना थी। और एक बस छंद और अंतिम छंद, और यहाँ आपको वो जज्बात देखने को मिलेंगे कि आजादी की लड़ाई के दीवानों के जज्बात क्या थे। घटना सिर्फ इतनी है कि 66 यानी 66 जो नामधारी सिख हैं उनको ब्रिटिश फौज ने तोपों से बांध करके उड़ा दिया, और इसका चित्र आपको पेरिस के म्यूजियम में मिलेगा और जगह मिलेगा। घटना इतनी है, घटना में क्या हुआ वो छंद में देखिए। कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। अंग्रेज अपने को बड़ा सभ्य मानते थे तो मरने से पहले ख्वाहिश पूछ। कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए, सिर्फ एक ख्वाहिश है, कहा नामधारियों ने, विनती है आपसे कर्म फरमाइए। आप हाथ जोड़ के विनती क्यों कर रहे हैं? कि विनती है आपसे कर्म फरमाइए, कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान, हमें इससे बचाइए। कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान, हमें इससे बचाइए, और तोपों के मुंहों पे सिर्फ सीने कर दे हमारे, फिर हमें बेहिचक तोपों से उड़ाइए। क्या बात है, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये मैंने जी ये मैंने कुछ छंद, ताकि शहीदों को, हम अमृत महोत्सव है तो कोई भी कार्यक्रम हो शहीदों को सबसे पहले स्मरण करें। अब जो आपका आपने कहा था, मैं ये गजल जी साझा करता हूं आपसे, मेरी ये जी जी ये मैं तरन्नुम सुना देता हूं, कोई नहीं। और ये इस गजल ने मुझे पहचान दी, ये भी एक खास बात। और इसी गजल पे ओशो रजनीश ने पूरा एक प्रवचन, इसकी व्याख्या करते हुए पूरा प्रवचन दिया हुआ है। तो मतलब ये हम लोग ताल जाई रचना सुनने जा रहे हैं, क्या बात है जी जी। गजल यूं है, अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए, अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए, तब तो मुमकिन है, तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए, अपने ही हाथों में। शेर सुनेगा, आज के दौर में जीने की शर्त है यारो, आज के दौर में जीने की शर्त है यारो, लाश ईमान की आंधे पे उठा ली जाए, अपने ही हाथों में। आशेर ये है, कुछ लुटेरों ने भी पहना है
फरिश्तों का लिबास, वाह 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 कुछ लुटेरों ने भी पहना है फरिश्तों का लिबास। इनके बारे में गलत फहमी न पाली वाह वाह, क्या जाए अपने कहें। ही हाथों में। और वो शेर जिसने मुझे बहुत पहचान दी, बहुत कोट किया गया, एक जब मेरा पहला कार्यक्रम हुआ कानपुर में, विराट एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, नीरज जी उसमें आए थे, तो जब नीरज जी की बारी आई तो उन्होंने शेर पे कम से कम 10 मिनट का एक पूरा एक लंबा सा वक्तव्य दिया था। शेर ये है कि अरे पूरे गुलशन का चलन चाहे बदल जाए मगर, कि पूरे गुलशन का चलन चाहे बिगड़ जाए मगर, बदचलन होने से, वाह बदचलन होने से खुशबू तो बचा ली वाह वाह, जाए, क्या बात है, बदचलन बहुत अच्छा, होने से खुशबू तो बचा ली जाए अपने ही हाथों में। क्या और फिर ये है, इन धुआती सी मशालों को जलाने के लिए, इन धुआती सी मशालों को जलाने के लिए राख के ढेर से, राख के ढेर से कुछ आग निकाली जाए, राख के ढेर से कुछ आग निकाली जाए अपने ही हाथों में। और गजल का आखिरी शेर, मैंने कुछ शेर छोड़ दिए, सुनिएगा आखिरी शेर, कि लोग ऐसे भी कई जीते हैं इस बस्ती में। अरे मेरा काश मरने से पहले ये सपना पूरा हो जाता कि लोग ऐसे भी कई जीते हैं इस बस्ती में, जैसे मजबूरी में, जैसे मजबूरी में एक रस्म निभा ली जाए, जैसे मजबूरी में एक रस्म निभा ली जाए अपने ही हाथों में, पतवार संभाली जाए, तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए अपने ही हाथ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी पंकज, पूरे गुलशन का चलन चाहे बिगड़ जाए मगर बदचलन होने से खुशबू तो बचा ली जाए। ये शेर आपने सबने हमने शेर की तरह सुना, लेकिन ये एक वो बात है जो कम से कम आज के दौर में बड़ी जरूरी है। आज के दौर में यह जिम्मेदारी है हम सब की, अगर हम लिखते हैं, पढ़ते हैं या हम साहित्य से जुड़े हैं, तो हम सब की जिम्मेदारी दोहरी बन जाती है कि पूरे गुलशन का चलन चाहे बिगड़ जाए मगर बदचलन होने से खुशबू तो बचा ली जाए। निश्चित तौर पर आज का दिन उत्सव की तरह है। हम लोग आज लक्ष्मी शंकर जी, श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर जी की उपस्थिति को उत्सव की तरह ही मना रहे हैं हम लोग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और मेरा सौभाग्य है, मैं इस चीज को अब अपने मैं आप मुझे कह सकते हैं कि मैं इस चीज पर एक घमंड कर सकता हूं अपने ऊपर, कि जब भी पिछले 1.5 बरस में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया, हमारे साथ ये नाम जो आज जुड़े हैं ये लगातार हमारे साथ तब से रहे। विकास मिश्र सागर जी हमारे साथ, कंचन लता पांडे जी आगरा से हमारे साथ, हमारे साथ मैं आपको बताना चाहता कि शीला गहलावत सीरत जी हैं हमारे साथ। विकास मिश्र सागर जी ने बहुत सारे मैसेज किए हैं आप दोनों के लिए, हैं आप दोनों के सम्मान में है यहाँ पर। सावन शुक्ला जी हैं, बहुत प्यारे से आजकल एक गजलकार हैं, बहुत प्यारे से, वो मैं उनसे मिला हूँ, बहुत प्यारे इंसान भी हैं वो। बीना सिंह जी हैं यहाँ पर, गुंजन जैन जी हैं यहाँ पर, शहनशाह आलम साहब हैं, शुक्रिया शहनशाह साहब, मालिनी गौतम जी हैं, नूतन यादव जी हैं, सभी ने आप सभी को सम्मान भेजा है, मुझे इस बात के लिए आशीर्वाद भेजा है कि मैं आज इस पटल तक आपको ला सका और सबको सुनने का सबको ये मौका मिला। हमारी श्रद्धेया
हमारी आदरणीय ममता किरण जी हैं, जिनको मैं सम्मान से जब भी आती हैं नजर झुका के प्रणाम करता हूँ, उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ यहाँ पर। आप सब लोग जो जानते हैं, जो साहित्य को प्यार करते हैं, तो आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं सब वो कौन है। वंदना वर्मा जी हैं लखनऊ से। कई बार वंदना जी ने बहुत चौंकाया है जो इतना खूबसूरत वो लिखती हैं, उन्होंने प्रणाम भेजा है आप सबको, मुझे भी। ललिता झा जी हैं हमारे साथ, सविता गर्ग साबी जी हैं पंचकुला चंडीगढ़ से, और बहुत अच्छा लिखती हैं। सारिका पंकज जी हैं, उन्होंने लिखा है आदरणीय लक्ष्मी सर को प्रणाम। सारिका जी विविध भारती और उसमें मैं कहूँगा कि ऑल इंडिया रेडियो में और FM रेनबो वगैरह में उद्घोषिका हैं। शायद उस वक्त इन दिनों उनकी एक पीड़ा है कि शायद, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी शायद जो बंद कर दी गई हैं। तो चूंकि श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो तो शिल्पकार हैं, सूत्रधार हैं, वो तो उस समय से है जब इन सब चीज़ों को शुरू किया गया, NC के नक्शे खींचे गए। तो सारिका जी, आपकी बात मैंने आपके संस्थान तक पहुँचा दी है, आपके संस्थान के सर्वोच्च संस्था तक पहुंचा दी, आप समझ लीजिएगा उन्होंने सुनी है। जो सारिका जी की पीड़ा है वो मेरी कई गुना वो पीड़ा, तो मैं अवकाश प्राप्त हूँ, लेकिन जो जो समाचार मिलते रहते हैं उससे थोड़ा आहत, मैं भी आहत होता हूँ, तो चलिए कोई नहीं जी। निश्चित तौर पर मैं भी समझ सकता हूँ कि वो एक बड़ा प्यारा माध्यम था। मैंने कई बार रात में जाते समय गाड़ी में चला के उस उन प्रोग्राम को सुना था, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद अब दिल्ली से वो हम नहीं सुन सकेंगे। आशीष आप जी हैं, गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञे जी हैं, पूजा मिश्रा यक्ष जी हैं, मोहित बिसेन जी हैं, रिंकू पांचाल ने कुकूजा जी हैं। सुलेखा मिश्रा जी का नाम मैं हमेशा कायदे से लेना चाहता हूं, क्योंकि वो मुझे डांट दिया करती हैं वरना, और उनका मैं भूरी भूरे अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। सुलेखा जी मुझे नहीं डांटेंगी क्योंकि मैं देर से सही लेकर उनका नाम ले लिया। ठाकुर अभिषेक सिंह हिंदू, अच्छा ठीक है, हम सब लोग। अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश त्यागी जी हैं, निर्देश प्रजापति जी हैं, श्रद्धेय ओम निश्चल जी हैं यहाँ पर। आहा, मतलब दो दो संस्थान, मतलब दो दो विश्वविद्यालय हैं आज, तो वाकई आनंद का दिन है। अखिलेश ठाकुर हैं, नई पीढ़ी से हैं, बड़े जोशीले कवि हैं, उनको निश्चित तौर पर आज सीखने को काफी मिलेगा, उन्होंने छंद सुने आनंद लिया। इंदु जी, बातें इतनी हैं करने को कि पूरा कार्यक्रम और सिर्फ बातें रह जाएंगी। मैं चाहता हूं कि जब मैं आपके गजल संग्रह जो है उनके नाम पढ़ रहा था, तो मैंने इस महसूस की कि आपके मन में कोई ना कोई तो बेचैनी है। जो आप आशियानों की बात किया करती हैं, आप बेआवाज पत्तों की बात किया करती हैं, आप बारिशों में जल रहे खेतों की बात किया करती हैं, पर आज का जो समय है, अगर मैं कहूं कि संकेतों में भी कहूं, तो आज के दौर में ये तीनों ही चीजें बड़ी प्रासंगिक हैं, बड़ी ही जरूरी हैं। आपके मन की पीड़ा अगर इन तीनों संग्रहों के अलावा भी जो होती है, वो क्या है जो ये गजल के तौर पर फूटती है, या आप कैसे आज के समय में अपने लेखन में वो बात लाती हैं जो कि आपकी जिम्मेदारी भी होती है? जी, दरअसल क्या है कि जैसा कि आपने बताया मेरे विषय में कि 25-26 वर्ष से मैं सिर्फ गजल पर बेस्ड हूँ, गीतों पर भी मैंने काम किया। पहले लक्ष्मी सर का जैसे मंचों से जुड़ाव था, मेरा भी वैसा ही था जी। रीवा जिले से हम लोग हैं, बेसिक रीवा के रहने वाले हैं, तो ये सोम ठाकुर जी, नीरज जी, संतोष आनंद जी, इनके साथ कई मंचों में शिरकत की जी। धीरे धीरे क्या हुआ कि मंचों के हल्केपन से थोड़ा सा ऊब करके मैंने अपना ध्यान लेखन में ज्यादा केंद्रित किया कि स्वतंत्र लेखन और मैगजीन्स में छपना छपाना और अपनी कोई गजल की पुस्तक। तो जहीर कुरैशी थे, अब नहीं है, जहीर कुरैशी बड़े गजलकार थे भोपाल के, ग्वालियर के, तो बेसिकली ग्वालियर के थे, भी कुछ दिनों से भोपाल में रह रहे थे। उन्होंने मुझे सुझाई कि तुम अच्छा लिख रही हो, तुम अपने को गजल पर बेस्ड करो। तो जो आज की पीड़ा है वो जितने बेहतर तरीके से गीत में आती है, उतने बेहतर तरीके से भी गजल में आएगी, तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और आम आदमी से संवाद करेगी। तो फिर मैंने कुछ गजलें कही और वो गजलें मेरी पहचान ही गजलें हो गई जी। तो आशियाने की बातें 2008 में आई। दरअसल
मेरी गजलों का जो तौर तरीका है वो आम आदमी से जुड़ा तो है ही, उसमें घर गृहस्थी और रोजमर्रा की जद्दोजहद ज्यादा है जी। और फिर उसके साथ जो कि गजल का एक खास विषय है आजकल कि मौजूदा हालात और व्यवस्था पर, तो बहुत सी गजलें मैंने व्यवस्था पर भी कही हैं, कुछ रिश्तों की शायरियां हैं जी, कुछ मौजूदा हालात की गजलें हैं और कुछ लंतरानियां हैं। लंतरानियों का मतलब आम बात, रोजमर्रा की बातें जो रोज घटती हैं हमारे साथ। तो शुरुआत करती हूँ रिश्तों की शायरी से, स्वागत। कुछ गजलें रिश्तों की पेश करूंगी, उसके बाद मौजूदा हालात के कुछ शेर। स्वागत। रिश्तों में सबसे अहम नाम है माँ का, माँ से शुरुआत करती हूँ। स्वागत है। घर की हालत और मौके की नजाकत देखकर, घर की हालत और मौके की नजाकत देखकर होठ सी लेती है माँ बच्चों की सूरत देखकर। क्या बात। घर की हालत, घर की हालत और मौके की नजाकत देखकर होठ सी लेती है माँ बच्चों की सूरत देखकर। और शेर देखें, क्या बात है। घर की हालत और मौके की नजाकत देखकर होठ सी लेती है माँ बच्चों की सूरत देखकर। खुद को आईना बनाया, खुद ही हंस कर सजी, खुद को आईना बनाया, खुद ही हंस कर सजी, वरना खुश होती है क्या औरत को औरत देखकर। क्या बात है, क्या बात है। खुद को आईना बनाया, खुद को आईना बनाया, खुद ही हंस कर सजी, वरना खुश होती है क्या औरत को औरत देखकर। फर्श की मिट्टी से मिलकर सोख ली सारी नमी, फर्श की मिट्टी से मिलकर सोख ली सारी नमी, रात भर रोई है छत इतनी शराफत देखकर। और गम जहां भर के जमी को देख ले है आसमां, गम जहां भर के जमी को देख ले है आसमां, गम जहां भर के जमी को देख ले है आसमां, और दर्द देता है खुदा सहने की हिम्मत देखकर। क्या बात है। दर्द देता है खुदा सहने की हिम्मत देखकर। वाह वाह वाह। रोपणी नदियां, समंदर शर्म से खारा हुआ। रोपणी नदियां समंदर शर्म से खारा हुआ, दर्द की सैलाब से आंखों की नस्बत देखकर। रोपणी नदियां समंदर शर्म से खारा हुआ, दर्द के सैलाब से आंखों की नस्बत देखकर। और घर की हालत और मौके की नजाकत देखकर होठ सी लेती है माँ बच्चों की सूरत देखकर। क्या बात है। कुछ शेर पेश करूंगी बेटे को लेकर। ये तो हुई माँ, माँ पर जुड़ी हुई शायरी, माँ से जुड़ी हुई शायरी। सलोनी शाम लहराती है जैसे रात से पहले, तेरी ही बात आती है यहाँ हर बात से पहले। वाह। सलोनी शाम लहराती है जैसे रात से पहले तेरी ही बात आती है यहाँ हर बात से पहले। और मेरे बेटे से कहियो माँ है तेरी इंतजारी में। सलोनी शाम लहराती है जैसे रात से पहले, तेरी ही बात आती है यहाँ हर बात से पहले। और मेरे बेटे से कहियो माँ है तेरी इंतजारी में, और जमी होती है जैसे जेठ में बरसात से पहले। क्या बात, कितना। मेरे बेटे से कहियो माँ है तेरी इंतजारी में, और जमी होती है जैसे जेठ में बरसात से पहले। और जो आना है तो आ जा कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर। क्या बात। जो आना है तो आ जा कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर कि अमरूदों के रहते आम की शुरुआत से पहले। जो आना है तो आ जा कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर कि अमरूदों के रहते
आम की शुरुआत से पहले पहले पकी है बेरियां। थोड़ा डिफरेंट, अब हिंदी गजल का तो मूड है कि हर शेर अपने अलग रंग में होता है जी। तो पकी है बेरियां, सब खेत पककर हो गए पीले। पकी है बेरियां, पकी है बेरियां, सब खेत पककर हो गए पीले, कि जैसे लड़कियां हल्दी चढ़ी बारात से पहले। क्या सुंदर, पकी है बेरियां, पकी है बेरियां, सब खेत पककर हो गए पीले, कि जैसे लड़कियां हल्दी चढ़ी बारात से पहले। वाह वाह। हसन हो, हसन हो, कृष्ण हो या जॉन हो, कौमी एकता का एक शेर देखें कि हसन हो, कृष्ण हो या जॉन हो या और कोई हो, हमारी घर की रस्ती है हमारी जात से पहले। अरे क्या बात है, हसन हो, कृष्ण हो या जॉन हो या और कोई हो, हमारी घर की रस्ती है हमारी जात से पहले। सलोनी शान लहराती है जैसे रात से पहले, तेरी ही बात आती है यहाँ हर बात से पहले। तो ये कुछ रिश्तों की शायरी थी, रिश्तों की शेर दो चार और पेश करना चाहूंगी जी। बहन की फीस भी है और अम्मा की दवाई भी। बहन की फीस भी, बहन की फीस भी है और अम्मा की दवाई भी, अजब संगम है रिश्तों का, वो बेटा भी है भाई भी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। बहन की फीस भी है, बहन की फीस भी है और अम्मा की दवाई भी, अजब संगम है रिश्तों का, वो बेटा भी है भाई भी। और शेर देखे कि सबक जब याद करता है तो माँ का सर दबाता है। सबक जब याद करता है तो माँ का सर दबाता है, कि एक ही वक्त में दो काम, पूजा भी पढ़ाई भी। क्या बात, क्या सबक बात? जब बहुं, याद बहुं, करता बहुं, है बहुं। सबक जब याद करता है, बहन की फीस भी है और अम्मा की दवाई भी, अजब संगम है रिश्तों का, वो बेटा भी है भाई भी। और सबक जब याद करता है तो माँ का सर दबाता है, कि एक ही वक्त में दो काम, पूजा भी पढ़ाई भी। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। नहीं लगती है अजब संगम है रिश्तों का, वो बेटा भी है भाई भी। सबक जब याद करता है तो माँ का सर दबाता है, कि एक ही वक्त में दो काम, पूजा भी पढ़ाई भी। मेरी बस्ती में जब बीमारियों का दौर चलता है, मेरी बीमार बस्ती रात भर करवट बदलती है। एक शेर इसमें अलग रंग का हुआ है, मेरी वही मैं याद कर रही थी तो जहन से जा रहा था। जी, बीमार बस्ती रात भर करवट बदलती है, बराबर साथ देती है हमारी चारपाई भी। क्या बात, मेरी बीमार बस्ती रात भर करवट बदलती है, बराबर साथ देती है हमारी चारपाई भी। और कभी हम लड़खड़ाए हैं तो बाजू थाम लेती है, कभी हम लड़खड़ाए हैं तो बाजू थाम लेती है, बहन भाई सी लगती है हमें गजलों रुबाई भी। कभी हम लड़खड़ाए हैं। फिराक साहब कहते हैं कि अगर गजल नहीं होती और मेरा लेखन नहीं होता तो मैं पागल हो गया होता या मर गया होता। जब जिंदगी पैरों में लड़खड़ाहट पैदा करती है तो हम गजल की बाह पकड़ करके आगे का सफर तय करते हैं। क्या बात है? तो हाँ, तो बहन भाई सी लगती है, कभी हम लड़खड़ाए हैं तो बाजू थाम लेती है, गजल बहन भाई सी लगती है हमें गजलों रुबाई भी। बहन की फीस भी है और अम्मा की दवाई भी है, जब दवाई भी है भाई। क्या बात है, एक एक शेर जो है, एक एक उसका अशार जो है अपने आप में वो एक मतलब सीखने वाला है। मतलब लोग जो लिख रहे हैं नए, वो सीखें यहाँ से कि कितने सलीके से और कितनी खूबसूरती से इन बातों को कहा जाता है। जी इंदु जी, कुछ कहना चाह रही थी आप? कुछ शेर पेश करती हूँ, बात तरन्नुम, मौजूदा हालात के शेर जी। मेरी पहचान की गजल है ये, और जो बड़े मंचों में और बड़े संपादकों और लेखकों के द्वारा, नामचीन लेखकों के द्वारा सराही गई है, और मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है सभी का इस गजल के लिए जी। तो बात अरनुम पेश करना चाहूंगी कुछ शेर जी। कह कह खो गए चुप्पियां रह गईं, कह कह खो गए चुप्पियां रह गईं,
हादसों में दबी बस्तियां रह गईं, क्या बात। हादसों में दबी बस्तियां रह गईं, कह कहे खो गए चुप्पियां रह गईं, हादसों में दबी बस्तियां रह गईं। और शेर देखे कि हाथ जी तुमने मिलाया बड़े शौक से, हाथ तुमने मिलाया बड़े शौक से, पर दिलों में वही दूरियां रह क्या गईं, पर बात है, बहुत बढ़िया। दिलों में हादसों में दबी बस्तियां रह गईं। और शेर देखें, जी कह कहे खो गए चुप्पियां रह गईं, हादसों में दबी बस्तियां रह गईं, कुछ भी बोले तो तूफान आ जाएगा। परवीन शाकिर की लाइनें हैं, लड़कियों के दुख अजब हैं और सुख उनसे अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। क्या बात। कुछ भी बोले तो तूफान आ जाएगा, कुछ भी बोले तो तूफान आ जाएगा, चुप यही सोच कर लड़कियां रह गईं, क्या बात। चुप यही सोच कर लड़कियां रह गईं, कुछ वाह वाह वाह, भी बोले तो तूफान आ जाएगा, चुप यही सोच कर लड़कियां रह गईं, हादसों में दबी। और शेर देखे कि योग्यता रास्तों में भटकती रही, वाह योग्यता रास्तों में भटकती रही, विसंगतियों का शेर है। क्या बात है। योग्यता रास्तों में भटकती रही, चौखटों में जड़ी डिग्रियां रह वाह गईं, क्या बात है, क्या चौखटों बात। में जड़ी डिग्रियां रह गईं, योग्यता रास्तों में भटकती रही, चौखटों में जड़ी, कल्पना में तुम्हारी महल हो तो हो, हाँ कल्पना में तुम्हारी महल हो तो हो, अपने सपनों में दो रोटियां रह गईं, अपने क्या सपनों में दो रोटियां रह गईं। और सर ने शहीदों की बात शुरू में की थी, शहीदों को नमन करती हूँ इस शेर के मार्फत, जी। कि डाक सरहद पे पहुंची मगर देर से, डाक सरहद पे पहुंची मगर देर से, डाक सरहद पे पहुंची मगर देर से, चिट्ठियों में रखी राखियां रह गईं, बहुत चिट्ठियों अच्छा, में रखी क्या बात, राखियां रह गईं, बहुत अच्छा, क्या हादसों बात, में दबी बस्तियां रह गईं, क्या बात है, हादसों में दबी बस्तियां रह, क्या बात है, बहुत क्या बात है, क्या बात है। आपका होना आज वाकई में मतलब बड़ी बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि जिस जिस यात्रा को लेके हम चले थे लॉकडाउन के समय में, जब कहीं कोई रास्ता नहीं था, तब हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। मुझे लग रहा है कि आज का दिन एक अहम पड़ाव है उस यात्रा का, जहां पर आप भी हैं, श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर जी भी हैं, आप भी हैं, दोनों हैं, और हमारे साथ तमाम साथी हैं हमारे जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि आज उस चक्र जो जो रास्ता था उसका एक चक्र पूरा हुआ आप दोनों के होने से, ये उत्सव जैसा दिन हुआ। हमारे साथ ऋतु कौशिक जी हैं, अवधेश ठाकुर जी हैं, सबने आपको जब कभी भी समय मिलेगा देखिएगा, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं। भूपेंद्र भुप्पी जी हैं, मधु मेहता जी हैं, पूजा मिश्रा यक्ष जी हैं, नूतन यादव जी हैं, मैथिली यायावर जी हैं हमारे साथ, वंदना वर्मा जी लगातार हैं, मंजू शाक्य जी हैं, मंजू शाक्य जी को मैं खूब मन से सुनता हूँ, ढूंढ ढूंढ के उनको पढ़ता रहता हूँ। चंचल मिश्रा जी हैं हमारे साथ, कंचन लता जी तो हैं ही हैं हमारे साथ, सुलेखा मिश्रा जी हैं, बहुत साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिज्ञासा सिंह जी हैं, प्रमिला भारती जी हैं हमारे साथ। मैं उनको यहाँ से प्रणाम भेजता हूँ, उनको नमन करता हूँ, क्योंकि जब मैं ढूंढने निकला था अभी कुछ दिन पहले, कि जिन्होंने नेहरू जी के समय का दौर देखा हो,
और जिन्होंने पहली भारत आजाद भारत का पहला मुशायरा और कवि सम्मेलन देखा हो उनमें से कितने लोग हैं। तो मुझे उनमें से एक नाम मिला था भारती जी का, और बड़ी बात ये नहीं थी कि मुझे उनका नाम और नंबर मिला, बड़ी बात ये थी कि उन्होंने जिस सहजता से और जिस सरलता से बात की वो मुझे छू गई। उनका यहाँ होना मुझे लग रहा है कि आज वाकई में जो मैं कह रहा हूँ कि उत्सव है तो उत्सव की तरह ही है। आपको मैं यहाँ से अपना जो भी मेरा सर्वश्रेष्ठ अभिवादन हो सकता है वो भेजता हूँ। बंसीधर शुक्ला जी हैं हमारे साथ, सरिता त्रिपाठी जी हैं, अखिलेश ठाकुर जी हैं ही हैं हमारे साथ, बहुत तमाम लोग जुड़े हुए हैं, कैलाश विश्वनाथन जी हैं और जिज्ञासा सिंह जी हैं। तो मैं सभी से कहूंगा, अच्छा कुछ लोगों ने ये भी लिख दिया है, कुछ लोग वैसे भी आ गए हैं जो कह रहे हैं कि मन चाहा आप अगर चाहें तो करें या मिलें या लिखें, कुछ ऐसे नंबर डाल रहे हैं। कृपया मैं चाहूंगा कि मतलब शायद आज का कार्यक्रम इतना प्यारा है कि दूर दूर तक पहुंच गया है, लोग कह रहे हैं कि किसी का खोया प्यार हो, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने नंबर भी डाल दिया है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आज के कार्यक्रम को ढंग से सुन लेंगे तो आप प्यार और रंग, जीवन, खुशियां, बिछोह, बिछड़न सबको समझ जाएंगे, आपको ऐसे नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ जर्मनी कोलोन से साहित्य को पूरी तरह समर्पित डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी भी हैं, लगातार वो अपनी क्लास जैसे ही खत्म होती है आज के दिन वो इस कार्यक्रम में जरूर आती हैं, और ये इस कार्यक्रम की और मेरा सौभाग्य है। नीरज शर्मा जी हैं, कुंवर सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी हैं, डॉक्टर निधि सिंह जी हैं, बहुत लोग हैं हमारे साथ, आप सभी का स्वागत है और बने रहिएगा, हम लोग आगे चलते हैं और मैं वापस आता हूँ लौट कर जहाँ पर मैं पुनः निवेदन की मुद्रा में हूँ, हमारे श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर जी के सामने, और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपके सामने छोटे छोटे घरौंदे झुरमुटे मैं कहूंगा कि तस्वीरें रेखा चित्र खींच दिए इंदु जी ने, और मैं जानता हूं कि जब समंदर जो हुआ करते हैं वो अक्सर जब याद करते हैं अपनी विराटता को मन ही मन, तो उनके अंदर बहुत सारी लहरें उथल पुथल मचाती हैं। निश्चित तौर पर आपका मन बहुत ज्यादा इस समय एक मंथन की मुद्रा में होगा, आपने बहुत सारी चीजें सोची होंगी। मैंने भी कई जैसे जैसे ही जो बात आई थी डिग्रियों वाली इंदु जी, तो मैंने भी सोचा था कि महफिल में खुल के बोलिए पर नाप तौल के, चिड़ जाए जाने किसका सीना कौन बात से, है आपका गला तो खुद ही संभालिए, अब चल पड़ा है उस तरह बंदर के हाथ से। ये डिग्रियां ये महफिल किसी काम की नहीं, ये डिग्रियां ये मेडल किसी काम के नहीं, ये डिग्रियां ये मेडल किसी काम के नहीं, पहले बताओ हो कि तुम कौन जात से, क्या मेरे खुदा होने को और क्या रह गया, कुत्ते गली में रो रहे हैं पिछली रात से। तो इन सब बातों को याद करते करते मुझे फिर से अपनी कक्षा याद आ रही है, वो कक्षा जिसके अध्यापक हमारे लक्ष्मी शंकर जी हैं, मैं उनको पुनः आमंत्रित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बात जब प्रेम की भी आई, रिश्तों की भी आई, विसंगतियों की भी आई, तो मैं कौन होता हूँ आपसे ये आग्रह करने वाला कि कौन सा अध्याय खोला जाए। जी स्वागत जी, तो सबसे पहले तो मैं इंदु जी के इस निर्णय का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने मतलब कवि सम्मेलन से जिसको कहें दूरी बना के और साहित्य की तरफ अपने अपने को मोड़ा। अब मैंने भी कितनी बार ये सोचा कि सब छोड़ दिया जाए, एक ही होता है कि हमारी कविता सीधे सीधे लोगों तक पहुंचती है बस, वरना मैं भी कवि सम्मेलनी जीवन में ना बना ना बनना चाहूंगा मरते दम तक। तो बस एक भारत में एक है परंपरा कि हजारों लाखों लोग सुनते हैं, तो ये इसको बचाने की आवश्यकता है, इस वाचिक परंपरा को, उसको नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, उसमें कविता के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं वो बड़ा दुखद है। तो इंदु जी का अभिनंदन इस बात के लिए जी। अब मेरे मैं सबसे पहले एक तो एक कविता जरूर इस मंच से साझा करूं, क्योंकि ये आपका मंच इतना प्रतिष्ठित मंच है और वो मेरी बहुत प्रिय कविता है, और जहां जहां भी मैं अंतरराष्ट्रीय कविता महोत्सव में गया, वर्ल्ड पोएट्री फेस्टिवल में गया वेनेजुएला में, तो वहां यही कविता मैंने साझा की है, क्योंकि छंदमुक्त कविता का अनुवाद जो है वो आसान होता है जाहिर है, तो वो मैं कविता पहले आपसे साझा कर लेता हूँ। कविता का शीर्षक है वे लोग, और युवा पीढ़ी के लिए खास करके, हम दिल्ली महानगर में बैठे हैं तो इसलिए भी हम इतने सभ्य हो गए कि दिल्ली में अब हम रोड रेस महानगरों में सुनते हैं, एक मिनट में एक व्यक्ति हत्यारा बन जाता है, तो कविता को अपना काम करना पड़ता है। छोटी सी कविता वे लोग जी, कि वे लोग छंदमुक्त कविता है, कि वे लोग
डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी, तलाशते थे चीटियों के ठिकाने। डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी, तलाशते थे चीटियों के ठिकाने, छतों पर बिखेरते थे बाजरे के दाने की आकर चुग सके चिड़िया। वे घर के बाहर बनवाते थे खौदी कि आते जाते प्यासे जानवर पी सके पानी। भोजन प्रारंभ करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से पत्ती तक कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में जब चिड़ियों के झुंड आ जुड़ते थे उनकी फसलों पर, तो वे उन्हें भगाने की बजाय कहते थे कि जब चिड़ियों के झुंड आ जुड़ते थे उनकी फसलों पर तो वे उन्हें भगाने की बजाय कहते थे राम की चिड़ैया राम के खेत और खावरी चिड़ैयो भर भर पेट। क्या राम की चिड़ैया राम के खेत और खावरी चिड़ैयो भर भर पेट। वे अपनी तरफ से शुरू कर देते थे बात, अजनबी से पूछ लेते थे उसका परिचय, जरूरतमंद के दिल खोल कर करते थे मदद, बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान तो पहुंचा कर आते थे उस मकान तक कोई भूला भटका अनजान मुसाफिर आ जाए रात बिरात तो करते थे भोजन और विश्राम की व्यवस्था। संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हो उनकी प्रजाति के कुछ लोग काश ऐसे लोगों का बन सकता एक संग्रहालय कि आने वाली पीढ़ियों के लोग जान पाते कि जीने का एक अंदाज ऐसा भी था तो ये तो मैंने वे लोग कविता से साझा की। एक गजल मैं आपसे साझा कर लेता हूं और सीधे सीधे समय बचेगा सीधे सीधे सुनाता हूं, और ये भी मेरी प्रिय गजल है, और वो ये है कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। क्या बात है कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। और शेर ये है कि नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन एक पल को भी किसी को एक खुशी देते हुए और फिर वो शेर जिसने मुझे फिर बहुत पहचान दी प्रतिष्ठा दी कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए। याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए। और शेर ये है आज का दौर कि आज के इस दौर में मिलते हैं ऐसे भी चराग अब तीरगी माने अंधेरा हमारे युवा मित्र जानते ही होंगे कि आज के इस दौर में मिलते हैं ऐसे भी चराग रोशनी देने के बदले तीरगी देते हुए। क्या बात है रोशनी देने के बदले तीरगी देते हुए। और शेर ये है कि एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना चांद बूढ़ा हो चला है चांदनी देते हुए। और अंतिम शेर में एक सिर्फ वृंदावन से मैंने एक चित्र विजुअल लेकर रख दिया है, तो वो ये है कि ये रही जाना माना प्रसंग है कि ये रही मुरली संभालो यूं न हो कान्हा विकल
कि ये रही मुरली संभालो यूं न हो कान्हा विकल, राधिका झुंझला के बोली बांसुरी देते हुए। कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। एक बार वो वृंदावन वाला और वृंदावन वाला शेर जी, ये रही मुरली संभालो यूं न हो कान्हा विकल, राधिका झुंझला के बोली बांसुरी देते हुए। टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। पंकज जी मैं चाहूंगा कि देखिए क्योंकि आप स्वयं कवि हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, तो मैंने सुना दिया, इंदु जी ने सुना दिया, आप एक गीत जरूर सुनाइएगा ताकि जी। मैं कोशिश करूंगा, हालांकि मैं बहुत देर से अपने आप को रोक रहा हूँ कि मैं जब आप सुना रहे हो तो मैं सोच, मेरा अदब मुझे ये इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं वाह वाह भी करूं, लेकिन अब रोक नहीं पा रहा हूँ, आपको सुनता जा रहा हूँ और मैं बहता चला जा रहा हूँ उसके अंदर। मैं कभी कभी मेरा ध्यान जाता है इंदु जी की तरफ जब वो पानी और कॉफी एक साथ पी रही है, तो मैं सोच रहा था कि शायद ही ऐसा कर सकता है लगातार। तो मैं आपके आदेश का की को पालन करने का पूरा प्रयास करूंगा, और चूंकि अब हम लोग अपने समय सीमा की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से इंदु जी की तरफ चलें और आपके पास फिर आप किसी एक गजल से समापन करें। तो किसी दिन और समय ऐसा भी आए कि मैं आपके ठीक पीछे पीछे चलूं और हम लोग इंदु जी से मिलें और ऐसे ही उनसे ये कला भी सीखें कि पानी और कॉफी कैसे एक साथ पी जाती है। होगी बहुत हार्ड वाली, उसके साथ अक्सर पानी रख लिया जाता था पहले। जी इंदु जी, एक साथ नहीं पी रही हूं मैं। इंदु जी कविता सुनने से पहले एक बात एक भी कहूंगा कि बहुत अच्छा किया कि इंदु श्रीवास्तव जी ने ज़हीर कुरैशी भाई का जिक्र किया, क्योंकि ज़हीर भाई और मैं और ऐसे कुछ 7-8 लोग और पूरे भारत में, जब दुष्यंत जी का वो गजल विशेषांक आया सारिका में, जहां से ये हिंदी गजल का अभियान और ये शुरू हुआ, हम लोग बहुत शुरुआती लोग में है, ऐसे लोगों में जिनको हिंदी वाले भी आलोचना करते थे और उर्दू वाले भी, मतलब वो जो हमने वो साहित्यिक पत्रिकाओं में लिखा रहता है कृपया गजलें चुटकुले ना भेजें, लेकिन हमारे ज़हीर भाई बहुत बड़े गजल के जो हिंदी गजल का झंडा लेकर के, उनको तो एक तीसरी उनको तीसरी तरफ से भी एक मिलता था कि वो ज़हीर कुरैशी है फिर भी हिंदी गजल में क्यों डूबे हैं, वो भी एक था उनका संकट और बहुत हमारे, तो इसलिए उनका अभिनंदन कि आपने ज़हीर कुरैशी का जिक्र किया, बहुत जरूरी था ये। इंदु जी सुनाइए। इंदु जी आपने जब ये वाली बात बोली थी कि आपने आजकल के चलन को देखते हुए अपने आप को थोड़ा सा सीमित किया जी, मैं आपकी उस बात को और बेहतर समझ सका, वो इसलिए कि मैंने एक लंबे समय तक मंचों पे जाना कबूला नहीं था जी, फिर मैं आया और बहुत सारे लोगों ने प्यार से मुझे उंगली पकड़ के चढ़ाया, मैं गया, अभी भी जाता हूं, लेकिन मैं आज भी इस रूप में जाना जाता हूं कि मैं मना कर देता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे कोई, अगर कोई भी इस धरती पर कवि होगा वो सुन रहा होगा या कोई संचालक भी या आयोजक भी, तो वो जानते होंगे कि मैंने आज तक कभी उनके सवाल का जवाब नहीं दिया कि बजट क्या है आपका, मैंने सिर्फ ये पूछा कि आयोजन क्या है, और मुझे लगा कि अगर जहां मेरे गाइड फिलोसोफर जैसे लोग जो सच में जिस मानक को लेकर के गढ़ना चाहते हैं साहित्य के समाज को, अगर वो परिस्थितियां वहां ना हो तो मैंने अभी से कतराना शुरू किया है, लेकिन ये इलाज नहीं है। जब तक हम मशाल लेके खुद आगे नहीं आएंगे इंदु जी, जब तक आप नहीं आएंगी, जब तक मैं अपने सीने में यहां पर जेब में कहीं ऊपर रख के श्रद्धे लक्ष्मी शंकर जी की तस्वीर लेकर और मैं नहीं चढ़ूंगा, तब तक ये वैसे ही हो जाएगा कि हम भेड़ियों के सहारे खरगोशों को छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बहुत अच्छी बात। मैं आपसे फिर से विनम्र निवेदन करूंगा और शब्द लक्ष्मी शंकर जी की उपस्थिति में करूंगा, आप आइए फिर से बाहर, क्योंकि बड़ी जरूरत है जी। अंधेरे बहुत होंगे लेकिन एक रोशनी का चराग उनको खत्म कर सकता है, बशर्ते पंकज भाई आपकी बात का समर्थन करूंगा और इंदु जी से यही मैं कहता हूं, मैं जो भी मित्र सुन रहे हैं यहाँ पे और जो सक्षम है समर्थ है,
कि भाई एक समानांतर एक वो खड़ा करिए मंच, और अच्छी और बिल्कुल सच्ची कविता को अच्छे सच्चे कवियों को सामने लाइए, और मंच बिल्कुल पर जो ये फुहड़ता आ गई है और ये बिल्कुल तमाम ये चुटकुलेबाजी हो रही है, मनोरंजन की जी वस्तु बनाया जा रहा है, उससे वहां बहुत नकली लोग आ गए हैं, जो उसकी बिल्कुल वजह बिल्कुल पैसा बहुत आ गया ना, तो कोई बात पैसा नहीं, अगर अब सही कविता नहीं पहुंचेगी तो फिर सही जो आपने कही बात वो बहुत बिल्कुल सार्थक बात है। तो अच्छे, इसीलिए मैंने भी मंच छोड़ा नहीं कभी, कि मैं जाता हूं और कोई समझौता नहीं करता, बिल्कुल जीवन में कभी पैसे की कोई बात नहीं की, बस ये है कि मेरी कविता वहां तक पहुंचती है, और ये भी कह के आता हूं जो कुछ जो दुष्प्रवृत्तियां चल रही है उनका विरोध करके आता हूं, अगली बार कोई बुलाए ना बुलाए मुझे परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम सही चित्र तो सामने आए लोगों के। जी इंदु एक समय जी, था, मैं तो इसलिए और आकर्षित हुआ था कि लिखना और पढ़ना पहली पहली सीढ़ी पे ही मैंने तभी शुरू किया था जब मैं पढ़ता था लिखता था कि लोग जब किसी को निमंत्रण भेजा करते थे तो बाकायदा लिफाफे पे हल्दी चावल उस तरह लगा के और उसके ही रूप में एक साधक के तौर पर सम्मान किया करते थे। आज मैं जब देखता हूँ कि क्योंकि चलन है और मैं दुनिया से अलग नहीं हूँ, मैं देखता हूँ तो बड़ी पीड़ा भी होती है, लेकिन उस पीड़ा का एक ही निवारण है जो श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर जी ने कहा, निकल के आना ही पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा। हम खरगोशों को या हम नई चीजों को उन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। रवि यादव जी हैं, बहुत मन से हमें सुन रहे हैं। इंदु जी, जी गजलों से अलग कुछ काम मैंने किए हैं, कुछ जी मेरी पहचान के दोहे हैं। मेरा दोहा संग्रह है, तू है मेरा जोगिया, तू ही मेरा जोगिया, अभी प्रकाशनाधीन है वो। जी उसमें कुछ दोहे मैं और तुम सीरीज के हैं और कुछ मौसम के दोहे हैं। जी मैं और तुम सीरीज के कुछ दोहे पेश करना चाहूंगी, कबीर की जमीन के दोहे हैं। जी स्वागत है। सुनो, मैं बादल की ओढ़नी, मैं बादल की ओढ़नी, तू धरती की सेज, मैं बादल की ओढ़नी, तू धरती की सेज, कब तक हम करते रहे सूरज से परहेज। क्या बात, वाह क्या बात, मैं बरखा, मैं बादरी, मैं बिजली, मैं धूप, मैं बरखा, मैं बादरी, हाँ क्या कंठ है मैं आपका। बिजली, मैं धूप, मेरे इतने रंग हैं, तेरे कितने रूप। क्या बात, क्या बात, मैं तो कोरी गागरी, तू निर्मल जलधार, मैं तो कोरी गागरी, तू निर्मल जलधार, तुझको भर कर ढाक लूं, क्या देखे सब संसार, तुझको भर कर ढाक लूं, देखे सब संसार। तू ही मेरा जोगिया, तू ही मेरा जोगिया, तू ही मेरा जोग, तू ही मेरा जोगिया, तू ही मेरा जोग, तू ही मेरा वैद है, तू ही मेरा रोग, क्या बात तू है, क्या ही बात, मेरा वैद है, तू वाह वाह, ही मेरा रोग। क्या बात है, मैं दुल्हन की पालकी, तू महुए की छांव, वाह मैं दुल्हन की पालकी, तू महुए की छांव, आ दो पल को बैठ ले दूर पिया का गांव, क्या आ बात है, दो पल को बैठ ले दूर पिया का गांव, तू कस्तूरी नेह की,
तू कस्तूरी नेह की, मैं हिरनी की प्यास। तू कस्तूरी नेह की, मैं हिरनी की प्यास। बन बन डोलू बावरी साजन मेरे पास। क्या बन बात? बन डोलू बावरी साजन मेरे पास। मैं और क्या तुम बात? श्री इसका अंतिम दोहा जी। मन के मधुबन में बसी जब से तेरी प्रीत। मन के मधुबन में बसी जब से तेरी प्रीत। केसर से दोहे उगे और चंदन से गी। क्या बात? केसर से दोहे उगे और चंदन से गी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या बात है इंदु जी, बहुत आनंद आया जी। कुछ कह रही थी आप? अब जैसा आपका आदेश हो, या तो कहिए कुछ दोहे और पढूं, या कुछ कहिए एक अपनी पहचान का गीत पढूं। आप अपनी पहचान के गीत पढ़िए जी। जी कुछ गीत तो मेरे गांव की गलियों के गीत हैं, गांव से जुड़े हुए, गांव की मिट्टी से जुड़े हुए गीत हैं जी। और उस गीत को, एक गीत को मेरे बहुत पहचान मिली है, भोर पनिहारिन। भोर पनिहारिन गीत, वो मैं पढ़ना चाहूंगी। स्वागत स्वागत। गांव की भोर एक पनिहारिन के रूप में देखें, गांव की भोर को एक पनिहारिन के रूप में जी। शब्द चित्र है, आप लोग सब मूर्धन्य लोग हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो देखिए गांव की भोर। स्वागत है। इसमें अवधि और बघेली के शब्दों का प्रयोग है जी, बोलियों का प्रयोग है जी। चली भोर पनिहारिन सर पे धरे नई सोन गगरिया। भोर पनिहारिन चली भोर पनिहारिन सर पे धरे नई सोन गगरिया। गंगा जमुनी लहरे चुनरिया चढ़ती उमरिया की बाकी गुजरिया। भोर पनिहारिन चली भोर पनिहारिन सर पे धरे नई सोन गगरिया। गंगा जमुनी लहरे चुनरिया चढ़ती उमरिया की बाकी गुजरिया। भोर पनिहारिन चली भोर पनिहारिन। और एक चित्र देखें जी। पवन पवन सखी के संग चली बिदुराती। बिदुराती मतलब इठलाती और मजाक करती हुई जी। पवन सखी के संग चली बिदुराती अलसाई कलियों के अंग दुलराती। पवन सखी के संग चली बिदुराती अलसाई कलियों के अंग दुलराती। ओ बिरुवा के पाखी गाए डोले महुवरिया महरु महर कर फुलवा की डरिया। भोर पनिहारिन चली भोर पनिहारिन सर पे धरे नई सोन गगरिया। गंगा जमुनी लहरे चुनरिया चढ़ती उमरिया की बाकी गुजरिया। भोर पनिहारिन। एक दूसरा चित्र कि बैरी सूरजवा ने चोरी करी निंदिया। बैरी सूरजवा ने चोरी करी निंदिया जाने कहां गिर गई चांद की बिंदिया। भोर होने को है, चांद गिरने गिरने को है। बैरी सूरजवा ने चोरी करी निंदिया जाने कहां गिर गई चांद की बिंदिया। नदिया से होके चले गांव की डगरिया उमक ठुमक चढ़ी महल अटरिया। भोर पनिहारिन चली भोर पनिहारिन सर धरे नई सोन गगरिया। एक मेरी पसंद का इसका बंद है जो कि भारतीय नारी की अभिनव छवि से साम्य है, इसका देखे। चली भोर पनिहारिन सर पे धरे नई सोन गगरिया। दुधुआ से तन पे सेंदुरुआ की ज्योति।
दुधोवा से तन पे सिंदूरवा की ज्योति, हरियर लुगरा में दीप रहे मोती। दुधोवा से तन पे सिंदूरवा की ज्योति, हरियर लुगरा में दीप रहे मोती। अंगना बुहारे रच सतिया दुवरिया, घम वसलिप गई अरिया ओसरिया। भोर पनिहारिन चली भोर पनिहारिन, सर पे धरे नई सोन गगरिया। गंगा जमुनी लहर चुनरिया, चढ़ती उमरिया की बाकी गुजरिया। भोर पनिहारिन चली भोर पनिहारिन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब इतना सुंदर चरित्र, इसका चित्र जो आपने जो खींचा इतनी खूबसूरती से कि कोई भी उसको महसूस कर सकता था। वैसे भी जितने सुंदरता के मानक हो सकते हैं या जितने एक सुबह के साथ जितनी, बहुत सुंदर इसको आपने कहा कि बहुत ज्यादा सराहा गया। निश्चित तौर पर ये गीत ऐसा ही है कि जो सबके दिलों में उतर जाए, और ऊपर से आपका जो तरन्नुम है, जो आपका अंदाज है, वो बहुत खूबसूरत है। हमारे साथ, मैं बता रहा था कि तमाम लोग जुड़े हुए, उनमें से मोनिका सोनवाने जी हैं, ललिता झा जी हैं, ओम प्रकाश कल्याणे जी हैं। ओम प्रकाश कल्याणे जी बड़े अच्छे हास्य कवि हैं और पार्लियामेंट में बड़ा सीनियर पोस्ट पर हैं। शुभम त्यागी जी हैं। श्रद्धे ओम निश्चल जी ने कहा है कि वाजपेयी जी बिना तरन्नुम के कैसे काम चलेगा। तो केवल कोठारी जी हैं, आनंदा पाटनी जी हैं, अंबर जोशी जी हैं, सभी सावन शुक्ला जी हैं, राजीव अग्रवाल जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर निधि सिंह जी, निश्चित तौर पर आपका स्वागत है। योगेश समदर्शी जी हैं। योगेश जी, मुझे आपकी वाली बात याद है कि आपने जो मुझे आदेश दिया था शीघ्र ही उसको पूरा किया जाएगा। विपिन मलिया बादी जी हैं, बड़ा खूबसूरत दोहे लिखते हैं, आज दोहों की बात भी चली, उनकी उपस्थिति निश्चित तौर पर अच्छी है। आशुतोष कुमार जी लंदन से, आज तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं हमारे, उसमें हमेशा उनकी उपस्थिति होती है और ये गौरव की बात है। और यहाँ से मैं एक और प्रार्थना करना चाहूंगा, क्योंकि आप सबकी सिफारिश में चाहता हूँ लग जाए, कि हमारी आदरणीय, हमारी मार्गदर्शिका ममता किरण जी जो है, मैं उसी दिन बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ, वो यहीं से हमारा निवेदन स्वीकार कर लें और किसी दिन वो भी इस कार्यक्रम में आए हमारी। मैं आप सबसे कहूंगा कि मेरी तरफ से आप सब सिफारिश कर दीजिएगा। प्रवीण अग्रवाल हैं, प्रवीण अग्रवाल हमारे बदायूं से हैं, हमारी बिसौली के एक बड़े खूबसूरत हास्य कवि हैं, बड़े प्यारे से हैं, एक बार मिलना हुआ और दिल लूट के ले गए। ललिता जी झा जी हैं ही हमारे साथ, तो तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। प्रकाश नागौरी जी हैं। सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि बस अब हम लोग धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मन ना आपका भरा होगा ना मेरा भरा है, और यही मुझे सुकून रहता है कि हम सब दोनों, आप और हम दोनों प्यासे प्यासे लौटते हैं हर बार, क्योंकि यही बात है कि वो जो मंचीय व्यवस्था से बिल्कुल अलग इस कार्यक्रम को बनाती है। यहाँ पर श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर जी हैं ही, इंदु जी को आप सुन ही रहे हैं। तो चूंकि अब जब समापन का विषय है और श्रद्धेय ओम निश्चल जी ने कह भी दिया है कि बिना तरन्नुम के काम नहीं चलेगा, तो क्यों ना समापन उसी अंदाज में किया जाए। सर जी, जरूर जरूर। बहुत अच्छे दोहे सुनाए इंदु जी ने, तो दो तीन दोहे में भी साझा करूं, क्योंकि जो गजल लिखेगा वो दोहा जरूर लिखेगा। और तो दो जी 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 तो जी बिल्कुल, तो दो तीन दोहे हैं, सादा यूं ही सुनिए सीधे सीधे। कि पहला दोहा ये है कि वैभव इधर पुकारता उधर पुकारें बुद्ध, वैभव इधर पुकारता उधर पुकारें बुद्ध, और जीवन भर चलता रहा एक अघोषित युद्ध। क्या बात, जीवन भर चलता रहा एक अघोषित युद्ध। और दोहा ये है कि हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, और मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान। क्या बात है, खोज रहा इंसान। और जो बात हम लोग कर रहे थे, कवि सम्मेलनों की बात कर रहे थे, सुनिएगा जी, कि फन के सौदे खूब कर लेकिन रख एहसास, पंकज भाई, कि फन के सौदे खूब कर लेकिन रख एहसास, अलग तकाजे पेट के अलग रूह की प्यास, अलग रूह की प्यास। और इतनी शक्ति भरी है लोगों में, लोग पहचान नहीं पाते अपनी शक्ति, इसलिए अंतिम दोहा सुनिएगा कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, प्राण प्रतिष्ठा जब करें उसमें कुछ इंसान, कि प्राण प्रतिष्ठा जब करें
उसमें कुछ उसमें इंसान। कुछ इंसान और बहुत सुंदर। जी, और तरन्नुम से गजल सुना के मैं विराम दूंगा इस अपने रचना पाठ को। तो जैसी कि हमारे डॉक्टर ओम निश्चल जी का आग्रह है और आप सबका, तो सुनिएगा ये मेरी मुझे प्रिय गजल है, सुनिएगा। इसका मतलब यूं है, छुपाए राज कितने ही, छुपाए राज कितने ही, सभी की जिंदगानी है। कोई भी शख्स हो सबकी, कोई भी शख्स हो सबकी, अलग अपनी कहानी कहानी है। बहुत बढ़िया। छुपाए राज कितने ही, और शेर ये है, असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, जुबां फौरन बताती है, जुबां फौरन बताती है वो कितना खानदानी है। छुपाए राज कितने ही, और शेर ये है, गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, मगर मैं भी वो जिद्दी हूं, मगर मैं भी वो जिद्दी हूं, जिए जाने की ठानी है। ये छुपाए राज कितने ही, और शेर ये है, अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को, अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को, वो तड़पे है पिता माँ की, यही अंतिम निशानी है। बहुत पाए राज कितने ही। और देखिए, मैं हूं फिजिक्स का विद्यार्थी, तो मैं मानता हूं कि कोई साइंटिस्ट कभी नास्तिक नहीं हो सकता। शेर सुनिएगा, बढ़िया। करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो, करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो, वो कैसी शख्सियत होगी, वो कैसी शख्सियत होगी, ये चादर जिसने तानी है। छुपाए राज कितने ही, और शेर ये है, वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, जो अब छूटा है दरिया से, जो अब छूटा है दरिया से, तो बस ठहरा सा पानी है। क्या बात है, राज कितने ही, और एक गजल का शेर यूं, गजल का शेर है हम तुम अधूरे एक दूजे बिन, गजल का शेर है हम तुम अधूरे एक दूजे बिन, जो मैं मिसराए पूला हूं तो तू मिसराए सानी क्या बात है, क्या बात है, है। बड़ा सुंदर। वाह ही। और इंदु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, देखिए, जो सच्चा कवि है, जो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कभी इस तरह की, जब व्हाट्सएप पे कविताएं या कहीं में आती हैं, देखिए, अगर जो सच्चा कवि है तो फिर वो सिर्फ मनुष्य और मनुष्यता की बात करेगा, वो सच्चा कवि ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख ईसाई पारसी, कुछ नहीं हो सकता, वो सिर्फ मनुष्य हो सकता है। आखिरी शेर सुनिएगा, ये जी हंसते फूल ये गाते परिंदे झूमती फसलें, ये हंसते फूल ये गाते परिंदे झूमती फसलें, अब उसका नाम जो भी हो,
अब उसका नाम जो भी हो उसी की मेहरबानी क्या है, बात जो है, क्या बात है, पाए राज बहुत कितने बहुत ही शानदार। सभी की जिंदगानी है, कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है, बहुत जो बढ़िया, पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सौभाग्य रहा मेरा मेरा सौभाग्य रहा, और निश्चित तौर पर हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े उन सब का सौभाग्य रहा कि हम लोग आज इस कार्यक्रम को बिल्कुल अलग रूप में देख सके, सुन सके। और हमारे मेरा सौभाग्य तो कई रूप में रहा कि अगर मैं पत्रकार हूँ तो उसके भीष्म पितामह भी मेरे सामने रहे, मैं अगर थोड़ा बहुत वॉइस ओवर करने की कोशिश करता हूँ या जो सो सॉरी मैं आप लोग मेरा एक सुना करते हैं, मेरी आवाज़ और मेरा लेखन व्यंग जिसमें मैं किया करता हूँ आज तक पर, वो जब आप सुनते हैं तो उसके लेखन के भी मैं कहूँ अगर दूसरे शब्दों में तो उस्ताद श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर जी हैं। मैं अगर गीतों की बात करता हूँ तो उनके महर्षि भी लक्ष्मी शंकर जी हैं, और मैं तमाम चीज़ों को अगर जोड़ लूँ, मैं तरन्नुम में अगर घुसने की कोशिश करूँ, गाने में थोड़ा सा सुर लगाऊँ, तो इंदु जी हैं। और इंदु जी ने जिस तरीके से रिश्तों की बातें की, उन्होंने जिस तरीके से संबंधों को यहाँ पर परिभाषित किया, हम लोगों ने बातों बातों में कई बार उनको महसूस तो किया होगा, लेकिन जिस रंग में, जिस रूप में, जिस तरीके से उन्होंने कहा, वो हमेशा मन पे अंकित रहेगा। और इंदु जी आपको सुनना आज की नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि अगर मैं बहुत कम शब्दों में कहूँ तो पूरे वर्ष की उपलब्धियों में से रहा आज आपको इस रूप में सुनना। हमारे साथ बहुत तमाम लोग जो जुड़े थे वो एक भी नहीं गए उनमें से, सभी हैं, और नए लोग आए जिनमें से मैं आपको कुछ नाम और गिना देता हूँ। चारू मित्रा जी हैं, और इसके अलावा सत्येंद्र सिंह अटल जी हैं, पुष्पा यादव जी हैं, शराफत समीर हैं। शराफत समीर बदायूं की मिट्टी से निकले हुए और बड़े खूबसूरत और जैसे दिखते हैं वैसे ही गजलकार भी हैं, गीतकार भी हैं, कई गीत उनके मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं, किसी दिन यहाँ से उनको आमंत्रित करेंगे। वंदना वर्मा जी लगातार हैं हमारे साथ यहाँ पर, और तमाम लोग हैं जिनको सबका मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और चूंकि सविता गर्ग सावी जी हैं, आनंदा पाटनी जी ने कहा बहुत सही कह रहे हैं, बिल्कुल जी, तो मैं कहना चाहूंगा कि एक बार मैंने और भी कहा था, मैं हर बार कह देता हूँ उस बात को कि जब मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हिंदी के लिए क्या कर सकते हैं या हम हिंदी के लिए क्या करें, तो मैं उनसे कहता हूँ कि प्यार कीजिए, जबान से प्यार कीजिए, भाषा से प्यार कीजिए, रंगों से प्यार कीजिए, मौसम से प्यार कीजिए, जबरदस्ती कुछ मत कीजिए, अपने भावों को बाहर निकालिए और वो भाव जो कहते हैं उस रूप में प्यार कीजिए। चारू मित्रा जी ने कहा है मेरे पिताजी डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी वाजपेयी जी आपको प्रणाम कह रहे हैं, श्री लक्ष्मी शंकर जी आपसे दिल्ली रेडियो स्टेशन में उनकी मुलाकात हुई थी। जी जी आपका संदेश यहाँ पहुंचा श्रद्धेय लक्ष्मी अशोक शंकर जी। प्रियदर्शी जी हमारे देश के बहुत, यही मेरा दर्द है, अशोक प्रियदर्शी जी इतने बड़े गीतकार, तो ये लोग होने चाहिए, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे लाल किले का मंच बिल्कुल हो, चाहे कुछ हो, ऐसे लोग होने चाहिए सबसे आगे। जी, पंकज बात जी, असल यही है कि आप जो आपने कहा तो आपकी ही बात रिसती हुई मेरे तक आई, और मैं अपनी उसी रिसती हुई बात को अपने से छोटों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है बहुत सारी लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उन अच्छाइयों को उकेरना फिर हम सबकी जिम्मेदारी है। हम जितने भी लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं या कहते हैं कि हमें हिंदी लिखना या साहित्य से प्यार है, हिंदी उर्दू कोई कुछ भी हो, हम जो भी पढ़ते हैं, हम जिस जबान में बात करते हैं, हम जिस अंदाज में रहते हैं, जो हमारी भाषा शैली है उससे अगर हम प्यार करते हैं तो जो लोग होते हैं उनका सम्मान करिए, वो जहां मिलें जितने अवसर मिलें उनको बुलाइए, क्योंकि ये लोग इस दौर की आखिरी निशानी के तौर पर मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि ये लोग ही हैं जो अपने कंधों पर पूरा छप्पर पूरा लेंटर संभाले हुए हैं। इनका जितना आप सम्मान कर सकते हैं इनसे सीखिए, मैं सीख रहा हूं लगातार, ना कहना सीखिए, क्योंकि सिर्फ 200 रुपए की एक कुर्ता पजामा और एक एक सदरी पहनकर कुछ लोगों के बीच बैठ जाना साहित्य नहीं हो सकता। साहित्य वो है जो सबका हित जिसमें शामिल होता है, क्या जिसमें बात सबका रूप समाहित होता है। और है, मैं क्यों इतराता हूं अपने इस कार्यक्रम पर, उसका एक मिसाल ये है कि मेरे प्यारे भाई महेश चंद्र मिश्र जी, और मैं उनसे फिर कहूंगा कि गाड़ी कभी मत तेज चलाइएगा,
वो अपने दफ्तर से सिर्फ इसलिए तेजी से आते हैं कि इस कार्यक्रम का आखिरी तक कहीं भी एक हिस्सा बन सकें। आप आए इस कार्यक्रम में महेश जी, मैं मेरा फिर से सौभाग्य, हर हर महादेव आपने लिखा निश्चित तौर पर। आशा दिलीप जी आप आई, आपका भी बहुत स्वागत। और चूंकि श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर जी का मेरे कुलपति, मेरे मार्गदर्शक, उनका आदेश हुआ तो मैं कुछ पंक्तियां यहाँ पर रखना की कोशिश करूंगा। स्वागत। हालांकि ये परंपरा है नहीं हमारे हमारे परंपराओं की कि जब बड़े कह जाए तो छोटे वहां बात करें, लेकिन उनका आदेश है तो मैं कुछ पंक्तियां यहाँ रखना चाहूंगा। मैंने एक दो बार रखी भी होंगी इस पटल पर, लेकिन आज मन है। कंचन लता पांडे जी आगरा से, बहुत सुंदर लगातार बनी रहती हैं और बड़ी प्यारी सी हैं, बहुत अच्छा सा लिखती हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी निश्चित तौर पर आप आई, ये भी बहुत खुशी की बात है। मैंने चूंकि जो अभी श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर जी ने कहा कि कवि जो होता है वो कहीं से भी किसी भी बात को उठा लेता है, तो मैंने एक हमारे बदायूं के, चूंकि सराफत समीर जी हैं, पवन अग्रवाल जी हैं और बहुत सारे लोग यूपी से हैं, वो समझते हैं कि एक फूल होता है जो 10 बजे खिलता है, 10 बजे के आसपास, और शाम तक मुरझा जाता है। वो घर के गमलों में भी उपेक्षित होता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, कोई उसमें पानी डाले न डाले, वो अपना खिलता है, अपनी मर्जी से चला जाता है, न जड़ चाहिए न बहुत ज्यादा मिट्टी चाहिए उसको, लेकिन वो खिलता है और अपनी आयु सुबह से खिल के और शाम तक पूरी करके चला जाता है। तो मैंने उसमें उसको लिया जरा सा और मैं कोशिश करता हूँ उसको यहाँ पर प्रस्तुत करने की, और निश्चित तौर पर ये स्क्रूटनी का समय है और मैं क्षमा चाहूंगा अगर मुझसे जो गलतियां होंगी, क्योंकि संस्थानों के सामने कभी भी छोटे पर्चों की बातें नहीं हुआ करती। जी, बीज का विस्तार नहीं मूल का आधार है, न बीज चाहिए उसको, न जड़ चाहिए, न उसे बहुत ज्यादा धूप चाहिए, न पानी चाहिए, बस एक इतनी सी टुकड़ा तोड़ के आप कहीं भी रख दीजिए, न वो देवताओं पे चढ़ता है, न वो कहीं किसी काम में आता है, लेकिन वो अपनी मगन रहता है, अपनी मस्ती में रहता है। बीज का विस्तार नहीं मूल का आधार है, चाहत पों की नहीं नीर की पुकार है, माटी की जरा सी प्रीत में मगर जो खिल उठे, माटी की जरा सी प्रीत में मगर जो खिल उठे, 10 बजिया का पुष्प जैसे सृष्टि का श्रृंगार है, बस इसी तरह जहां में तेरा मेरा प्यार है। बस इसी तरह जहां में तेरा मेरा प्यार है, दुनिया की गली में एक छोटा सा संसार है, बस इसी तरह जहां में तेरा मेरा प्यार है, छोटी सी उम्र भली मगर कहे कली कली, सुबह खिलता शाम को मुरझा जाता है, छोटी सी उम्र भली मगर कहे कली कली, प्रेम की रसम कसम इसी में सब निभा चली, भाव चूम चूम मुस्कुराए जो अभावों में, भाव चूम चूम मुस्कुराए जो अभावों में, प्रेक्षा और उपेक्षाओं की रीत भी स्वीकार है, बस इसी तरह जहां में तेरा मेरा प्यार है, बस इसी तरह जहां में तेरा मेरा प्यार है। बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वो थोड़ा सा मुरझा जाता है। हवा चली जो सर्द दर्द क्या हुआ जो मिल गए, हवा चली जो सर्द दर्द क्या हुआ जो मिल गए, बाहु पाश उष्णता मिली तो फिर से खिल गए,
हवा चली जो सर्द दर्द क्या हुआ जो मिल गए बाहु पाश उष्णता मिली तो फिर से खिल गए देव स्पर्श कामना रही न पुण्य हार की देव स्पर्श कामना रही न पुण्य हार की यूं जिए यूं ही मरे ये श्वास श्वास सार है बस इसी तरह जा में क्या तेरा बात, मेरा प्यार है बस वाह, इसी तरह जा में तेरा मेरा प्यार है 10 बजिया का पुष्प जैसे सृष्टि का श्रृंगार है क्या बात, क्या बात, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत सभी का, आप सभी लोग जितनी भी बार आए यहाँ पर, और हमेशा मैं फिर से एक बात कहूँ कि हमारे जो आज के मेहमान होते हैं वो हमेशा हमारे इस परिवार का सदस्य हुआ करते हैं कल से आगे से, तो आप दोनों की उपस्थिति हमारे इस परिवार में हमेशा रहेगी और हम सब लोग आपसे खूब सारा सीखेंगे, आपसे मनुहार कर लेंगे, कभी कभी कुछ कुछ चीजें आपसे जबरदस्ती, आपका मन होगा नहीं तो हम आपकी उंगली पकड़ के हल्के से हिला के पूछ लिया करेंगे, और मैं इसको अपना अधिकार मानता हूँ, और मुझे खुशी है कि आपने आप दोनों ने ही मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि तमाम जो लोग हमारे साथ हर बार होते हैं वो आज भी हैं, और हर बार की तरह जो प्यास हमारी छूट के रह जाती है कि और सुनते, काश वो रह जाती है, तो मुझे लगता है कि हाँ अभी मेरा काम बाकी है, अभी मेरा रोल बाकी है, मेरी भूमिका बाकी है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, और मेरी तमाम कोशिशें और आप सबसे ये गुजारिश है, मुझसे अगर कोई मंथन से निकला हुआ कोई रत्न अगर छूट रहा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरा उद्देश्य जो है इस कार्यक्रम को लेकर के सिर्फ इतना सा है कि मैं उन मशालों को, उन दीपों को, उन कालखंडों को, उन उदाहरणों को सबके सामने ला सकूं जिनकी वजह से, जिनके कारण आज भी भारत का साहित्य पूरे विश्व में अपने डंका बजाता है, जिसकी वजह से आज भी इस बात की प्रत्याभूति रहती है कि ये लोग हैं तो साहित्य है, ये लोग हैं तो हमेशा एक मशाल जो जली थी, जिसे हमारे पुरखों ने जलाया था, वो जलती रहेगी। आप सब आए, आप सब जुड़े, आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया दोनों ने, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार और सभी सुनने वालों का आभार। दीजिए बिल्कुल।